नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। रिकॉर्ड किया उस गाने के बारे में बताइए, किस तरह का गाना है? गाना क्लब का सिचुएशन है पूरा, और नशे के बारे में है गाना। इट्स लाइक एन आइटम सॉन्ग बट इन अ क्लब, एंड द सॉन्ग इज अबाउट नशा, एंड इट्स जस्ट अ वाइब। इट्स लाइक यंग पीपल इन अ क्लब, राइट, हु आर एंजॉयिंग टू टेक्नो म्यूजिक। तो इट्स जस्ट कम्प्लीटली वो जोन का गाना है। ये क्लब के पास फायर एग्जिट है, ये क्लब के पास सारे परमिशंस है, एंड ये क्लब इट्स जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, नाइस कॉम्पोजिशन। राकेश जी ने मुझे कहा था कि इट्स जस्ट यंग पीपल, यू नो, टीनेजर्स एंड मे बी पीपल हु आर जस्ट पोस्ट टीन्स, दे आर ऑल जस्ट हैविंग फन, एंड It's just that. But it's a brand new composition. It's not like any other song I've heard or I've recorded in a club. I've done Kal Dhamal, I've done Salam Namaste, I've done Dil Keh Raha Hai, I've done Oh Hamdam Sunio Re, I've done Bheegi Hont, which was not in a club. But the point is, those were item songs. So this is also an item song, but this is not like any of those songs. So that is what is unique about this situation. And it's pure. It's purely a club song. So it's got a big downbeat. It's like a DJ spinning, you know. It's that kind of song. गणपति और रिलीज होने के क्लब में 100% करेक्ट बोले आप। गणपति में, हालांकि गणपति में नहीं बजना चाहिए क्लब सॉन्ग, पर बजेगा क्योंकि 10 बजे तक डीजे को अलाउड है परमिशन। आजकल लत रहे के गाने बज रहे हैं। लत लगी है, ये लत लगी है, गाने का नाम है लत लगी है। फिल्म की टीम के बारे में, मुझे राकेश जी और उनकी फैमिली के साथ पुराने रिलेशंस हैं, और जब राकेश जी का फ़ोन आया तब उन्होंने मेरे पिताजी का जिक्र किया और उनके रिलेशन का, और तब मुझे याद आया कि यस, यू नो, बिकॉज मेरी ऑफिस वाज देयर प्रेमाइस, जो मैंने उनसे, यू नो, विच आई वाज रेंटिंग फ्रॉम देम मेनी इयर्स अगो, एंड सो देयर वाज अ रिलेशनशिप एंड ही नोज माय फादर, सो आई वाज वेरी, इट वाज अ नाइस मोमेंट वेर ही रिमेंबर्ड पापा, एंड सो वी सेड या ओके वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, एंड ही गेव मी द टाइम, so here I am and everything was great. The song was so hot that the AC stopped functioning in the studio. Gana itna garam aur itna fresh tha ki gaane ne studio ka AC band kar diya. main antra ne mukhda chalta hai TV pe, la 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 la, kuch nasha nasha, la 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 le kash, lat lagi hai mujhe lagane ki, lat lagi hai mujhe lagane ki, kash कश कश पे 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 कश फुल धमाल सॉन्ग है कंप्लीटली, और कोई कश्मकश नहीं है कि ये कश पे कश वाला गाना है। ये फिल्म का टाइटल है संताप, ये वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और इसके कलाकार अभी चयन किए जा रहे हैं, अभी फाइनल हम अनाउंस नहीं कर सकते। इसकी निर्माता आपके सामने खड़ी है प्रीति जी, नीत जी है, मैडम को लीजिए ना, कवर रुकिए भाई, जी जी बताइए। ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जी, उधर हमारी खड़ी हैं एसोसिएट प्रोड्यूसर। अब आप सवाल कीजिए जो करना है। किस तरह की ये फिल्म होगी और कब से इसकी शूटिंग चालू होने वाली है? इसकी शूटिंग मार्च में यूपी में चालू होगी जी। फिल्म तो जैसी है वो टाइटल में दिख रहा है, संताप द एंगर जी। हॉरर मूवी है, लव स्टोरी है? नहीं, ये रिवेंज स्टोरी है। आज गाने की रिकॉर्डिंग है, हमारे सिचुएशन में एक
रेव पार्टी होती है, ये उसका गाना है जो कुणाल जी गा रहे हैं। नवीन मनीष इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। सर इस फिल्म के आप डायरेक्टर, तो लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये यूपी, लखनऊ, बनारस, कानपुर, घूम घूम के अलग अलग क्षेत्रों में की जाएगी। जहाँ जहाँ क्षेत्र में ले रहा उससे। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, फिल्म का कहानी वेस क्या होगा? जैसा कि आपने बताया इस फिल्म कहानी तो देखने के बाद ही पता चलेगी, अभी क्यों बता दूं आपको? यूपी वेस कहानी है या कैसा है? नहीं नहीं, यूपी वेस नहीं है, एक टोटल एक कहानी है, वक्त आने दीजिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। मतलब बॉलीवुड वैसे बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन इसमें क्या खास रहेगा? अब खास तो ये अभी अभी कैसे बता दूं आपको, वक्त आने दीजिए, बोला ना वक्त आने दीजिए, सब बता दूंगा। कोई खास वजह इस फिल्म के कहानी को? हाँ, एक प्रोजेक्ट को लेकर के, एक किसी कहानी को लेकर के इसको किया जा रहा है, और अभी कुछ भी कहना निर्थक होगा, वक्त आने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। एक लड़की को आप हाईलाइट किए हैं, वो लड़की क्या कौन होगी, किस तरह की होगी? अरे साहब बेस वही है, क्रोध भी वही है, आगे आपको देखने को। ओके सर, थैंक यू। ओके मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और बताइए इस फिल्म के बारे में किस तरह का फिल्म है, क्या है? डायरेक्टर साहब बता रहे थे जो कुछ वही फिल्म में होगा, एक ही बात। मेरा नाम प्रीति सिंह और इस फिल्म की मैं प्रोड्यूसर हूँ। कोई खास वजह इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की? क्या इसमें सस्पेंस ऐसा है जो, क्या अच्छा लगा कि आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं? एक्चुअली अच्छा लगने जैसी कोई चीज़ मेरे लिए थी नहीं, हम अपने हस्बैंड के साथ खड़े हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम प्रोड्यूसर हैं, बस इतना ही पता है हमें। बेसिकली है क्या, देखिए एक स्टोरी है और उस स्टोरी में एक क्रोध है, वो आपको आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर जी ने बताया कि संताप क्रोध या और उसका प्रतिशोध से जुड़ी हुई है, बाकी चीज़ें फिल्म दर्शकों पे छोड़ना पड़ेगा हमें, हमें वो व्यापारिक नज़रिए से सब चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते। इंतज़ार करिए, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अपना परिचय दीजिए सर, आप किस तरह? मैं इस फिल्म में एज एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। मैं तन्वी ककरिया, मैं राकेश ककरिया की बेटी हूँ, मैं एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। ये मूवी विमेन पे रिलेटेड है, सो इट्स बेसिकली ऑन विमेन, हर एंगर, हर फ्रस्ट्रेशन यू कैन से, बट फॉर डिटेल्स यू नीड टू वॉच द मूवी एंड प्लीज़ 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 कम इन द सिनेमा हॉल एंड प्लीज़ वॉच दिस मूवी। लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं फिल्म की कहानी क्या होगी? कहानी तो आप मेरे सीनियर ने बता दी है और सब तो मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए आपको सिनेमा हॉल ज़रूर देखना पड़ेगा आके, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, सो प्लीज़ 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 आइए और देखिए। थैंक यू। आर्या है, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बेटी हूँ, यंगेस्ट डॉटर, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैम, फिल्म का पोस्टर देख के बहुत खतरनाक लग रहा है, नाम तो खतरनाक है, बैकग्राउंड में मंदिर और कुछ अच्छी चीज़ दिख रहे हैं, क्या कहना चाहिए इस फिल्म के लिए? ये वुमेन सेंट्रिक है, बिकॉज बेसिकली यू नो वुमेन्स हमेशा डाउनसाइज की जाती है, हर चीज़ में क्रिटिसिज्म होता है वुमेन्स के लिए थ्रू आउट द लाइफ, उन लोगों को टॉर्चर कराया जाता है, तो कभी ना कभी एक गुस्सा निकलना ही है, सो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर ये मूवी है, एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू नीड टू वॉच द मूवी। आप भी किसी तरह से फिल्म में जुड़ी हुई है, कोई भूमिका या? हमारी कोई भूमिका नहीं, हम बस सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अ वुमेन एंड आई नो व्हाट सिचुएशंस आई गो थ्रू। सो दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, ये मूवी में कुछ पॉजिटिव मैसेज है, वो लीजिए और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए आने वाले वक्त में, यही कहना चाहेंगे हम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।